हेलो दोस्तों, राव साहब का बालक मैं धर्मेंद्र यादव। माहौल बनाकर सिस्टम फाड़ने की मेरी अच्छी आदत के साथ बना ये न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ उड़ीसा में। उड़ीसा में एक गार्डन पर घूम रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठा था, अकेला था ना, तो खाली बैठा था, कोई है भी नहीं यार मेरे साथ, आप लोग तो जानते ही हैं। और आई होप कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और बाकी मेरे भाई साहब का तो डायलॉग आप लोगों को पता ही है कि मेरे गैल चालाकी करने की कोशिश करा तो तने तो पता ही है कि फूफा बदमाश है। और मेरा ये नहीं है, मेरा ये है कि मेरे गैल चालाकी करने की कोशिश करे तो तने तो पता ही है अपना चाचा बदमाश है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अलविदा लेता हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ और पसंद आता है तो उसकी मैं अपडेट आप लोगों को देता हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह पार्क बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़ा है, इसे काफ़ी लोग जानते और मानते भी हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 घंटे से घूम रहा हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़े लोग कम हैं, तो वो इसलिए कि आज बारिश हुई थी यहाँ पर, तो जिसके वजह से लोग कम दिख रहे हैं। जैसे वहाँ पर 2 लोग खड़े हैं ये, और बाकी ये इधर साइड का पूरा खाली है। और लेकिन पार्क काफ़ी अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ और घूमें ऐसे पार्क में। और ये देखो, कूड़ेदान के लिए क्या डॉल्फिन बनी हुई है, बैठने के लिए सीट और बच्चों के लिए खेलने वाली चीज़ें। पार्क मस्त है दोस्तों, मुझे तो पसंद आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और